हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे हिंदी टाइपिंग के बारे में। चूंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास में लगभग हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कैसे हिंदी फोन डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वही आज की क्लास में कुछ वर्ड लिख करके हम लोग ट्राई करेंगे। हर समझे ना, जैसे सपोज करिए अभी आप लोगों ने बोला मोहन लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मोहन में, सबसे पहले क्या आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो, यम, तो ई से मो आएगा पहले ना, तो यम नहीं दबाना है, ई बटन दबाएंगे तो क्या आएगा मो, और के बटन प्रेस करें तो आ का मात्रा, और यस बटन प्रेस करेंगे तो हो जाएगा ना। अब ह लाना है ना, तो ह आएगा किससे, जी से, और अब न लाना तो आएगा किससे, किससे आएगा, यूस, मैन हो गया, चलो के एस जी यू मोहन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ बताओ और क्या लिखना है, अनूप लिखना है, देखो वी से क्या आएगा, ओ आएगा, यू से क्या आएगा, डब्ल्यू से मात्र, और आई से हो जाएगा ना। और बताओ अतिकुर लिखना है, अतिकुर के लिए पहले वी बटन दबाएं क्या आएगा, ओ, अब मात्रा पहले आप चेक कर लीजिएगा आपकी मात्रा किधर से रहेगा, अगर जो अतिकुर लिखना है तो इधर से रहेगा कि ये इधर से रहेगा, ये वाला रहेगा ना। हाँ चलो उसके लिए फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यफ बटन दबा देंगे, पहले देखिए कौन कौन सा बटन, वी यफ, फिर आर बटन दबाएं क्या आएगा, त, डी से क्या आएगा, क, फिर क्यू से इधर से आ जाएगा कुर, और जे बटन दबाएंगे तो अतिकुर। रहमान लिखना है तो जे से क्या आएगा, र, जी से, ई से म, के से आ का मात्रा, और यू से, हाँ दीपक लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, यन बटन दबाइए, फिर यच बटन दबाइए, अगर जो इधर से रहेगा तो पहले यफ बटन दबा फिर यन बटन दबाएंगे। हाँ बता रहे, समझा दे रहे, मतलब समझ, अगर जो इधर से रहेगा तो पहले से यफ बटन दबा फिर यन बटन, और नहीं तो यन फिर यच दबाएंगे। अब क्या चाहिए ना, तो आई से क्या आएगा, और डी से हो जाएगा ना। सूरज लिखना है तो यल से क्या आएगा, स, और क्यू से क्या आएगा, मात्र, जे से क्या आएगा, र, और टी से ज, सूरज हो जाएगा ना। बताओ अविनाश लिखना है, हाँ सब बता दे रहे, मत घबराओ, अविनाश लिखना है, देखो अविनाश के लिए सबसे पहले क्या रहेगा, और आएगा ना, तो वी क्या रहेगा पहले, वी, ओ से क्या आएगा, व, और यत से अवि, आया समझे ना, उसके बाद से यन, बताओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले यफ बटन दबाएंगे फिर ओ बटन दबाएंगे, यू के सेमी कॉलन, और फिर के, अविनाश हो जाएगा ना। हाँ देखिए, सबसे बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करने का कि आप ब्राउजर पे आइए, और ब्राउजर पे आने के बाद से यहाँ सर्च कर लेंगे, क्या कोई हिंदी पोएम सर्च कर लीजिए, हाँ साथ साथ में आप लोग क्या कर पाएंगे, हिंदी पोएम सर्च कर लीजिए, हो जाएगा ना। चलो यही ले लेते हैं, शिक्षक दिख रहा है ना, या तो आप इसको इमेज के रूप में सेव कर लीजिए, किसके रूप में सेव कर लेंगे, इमेज के रूप में, राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करके कहाँ चलेगा, सेव इमेज है, लोकेशन इसका दे दिया डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे देने बस क्या कर लिया, सेव। अब सेव करने के बाद से इसको कर लेंगे हम ओपन, यही है ना। अब सबसे पहले क्या लिखना हम लोग को, हाँ याद रखिएगा ये, आप लोगों को ये माइंड में जरूर होना चाहिए कि किससे कौन सा वर्ड आएगा, और ये याद करने से नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही होगा, आ रहा समझे ना। चलिए अब सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है इसमें, हाँ ऊपर बड़ा सा लिखना पहले हमको शिक्षक, तो देखिए शिक्षक लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप यफ बटन दबाएं, कौन सा बटन, फिर सेम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, पहले यफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर के बटन दबाएं तो पूरा हो जाएगा ना। अब देखिए
एक काम करते हैं, कीबोर्ड ला लेते हैं सामने। कीबोर्ड दिख रहा है ना? अब देखिए हो गया। अब अगर जो हम शिफ्ट के साथ ये वाला ब्रैकेट जब दबाएंगे तो आधा छो आए, और के बटन दबाएंगे तो पूरा हो गया है ना, और डी बटन दबाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, फॉर्मेटिंग हम बाद में कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, यहां से बोल्ड किए और इसको क्या कर लिए, सेंटर में रख लिए, हो जाएगा ना। क्या हुआ? हाँ सब हो जाएगा, घबराओ नहीं। चलो इसको सेलेक्ट करके हम क्या किए थे, बोल्ड किए थे ना, और बोल्ड करके सेंटर में किए थे। साइज बड़ा भी कर सकते हैं आप, हो जाएगा ना। चलिए अब शिक्षक के पास नीचे देखिए क्या लिखा है उसमें, ये लिखा है ना, जीवन में जो राह दिखा है, सबसे पहले क्या लिखना है, जीवन। तो आप यहाँ पे आ जाए, नहीं तो एक काम करते हैं, हाँ विंडो के साथ लेफ्ट एरो लेफ्ट में आ जाएगा, और इसको कर देते हैं विंडो के साथ राइट राइट में आ जाएगा, हो जाएगा ना। नीचे कर दिखेगा ना इतना, चलो इतना अब दिख जाएगा। अब क्या लिखना है, जीवन में लिखना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, ज लिखना होगा ना, तो ज किससे आएगा, टी से, और यच करेंगे क्या आएगा, जी, व लिखना है ना, ओ से क्या आएगा, व, और यू से नो। अब मे लिखना है तो सबसे पहले आप ई और यस बटन दबाई, ई से म और यस से म। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो बिंदी भी तो दिया है ना, तो यहाँ पर बिंदी लाना होगा ना, तो सिर्फ आप ए बटन दबाई मे, हो जाएगा। अब फिर लिखना है जो, तो सबसे पहले आपको क्या दबाना होगा, टी के और यस, जो राह दिखाए, क्या लिखना है, राह दिखाए, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा इसमें, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्या लिखना है आगे हमको, राह लिखना है ना, तो र किससे आएगा, जी से। अब थोड़ा बहुत आप लोग कोशिश करिए बोलने के लिए। अब फिर क्या लिखना है, आ का मात्रा देना है ना, किससे आएगा, के से, और ह किससे आएगा, जी से, रा, दिखाए लिखना है ना। तो मात्रा देखिए, पहले मात्रा दिया है ना, तो पहले कौन सा बटन, य, फिर द देना है ना, तो यन से क्या आएगा, ख लिखना है, सबसे पहले ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहां से ओपन ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन, फिर के, तो पूरा हुआ है ना, एक बार और कर देंगे पूरा दिखा हो गया। ए लिखना है ना, तो ए के लिए हमको क्या प्रेस करना होगा, सेमी, ये कॉलन प्रेस करना, लेकिन देखिए शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, रुआ रहा है ना, ये कॉमा होगा, ए के लिए क्या हो जाएगा, अब क्या हमको देना है, कॉमा देना है ना, तो कॉमा प्रेस करें तो ए आ रहा है, तो उसके लिए ब्रेकेट को ये बड़ा वाला क्लोज करें, क्या कॉमा आया है, हो जाएगा ना। हमने लिखा पहले शिक्षक, और उसके नीचे हमने लिखा जीवन में जो राह, उसके नीचे क्या लिखना है, सही तरह चलना था। अब आप लोग बताइए सही लिखना है, कैसे लिखेंगे, यल से क्या आएगा, स, और जे से क्या, जी से क्या आएगा, मात्रा देना है तो यच। याद रखिए कि अगर जो यही हमको मात्रा जो है इधर से देना है, इधर से तो यफ, और इधर से देना है तो यच, क्लियर है ना। चल अभी हमने क्या लिखा पहले, अब तरह लिखना है ना, ये तो बिना मात्रा लगा तो तुरंत हो जाएगा, तो लिखना किससे आएगा, हाँ र लिखना है तो जे, और ह लिखना है ना किससे, तरह, चलना लिखना है तो च किससे आएगा, पी से, और ल किससे आएगा, वाई से, और फिर क्या देना है, तो न किससे आएगा, यू से, और मात्रा देना है तो सिखाए लिखना है ना। तो अब आप लोग बताइए सिखाए के लिए क्या करें, सबसे पहले यल, उसके बाद से यल, ख लिखना है ना, तो ब्रैकेट ओपन, और फिर दो बार के, और ये देना है तो कौन सा, अब ऐसे खड़ी पाई का मात्रा देना है ना, खड़ी पाई देना है,
तो उसके लिए शिफ्ट के साथ यानी कैपिटल ए बटन दबाएं। हुआ है? अब आगे क्या लिखना है? मात पिता से पहले। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? सबसे पहले ई के और आर, डैश देना बीच में ना। तो देखिए शिफ्ट के साथ हम सात बटन दबाएंगे। कौन से बटन? हो जाएगा ना? क्या चीज? हाँ, बड़ा हो जा रहा है। तो बहुत ऐसे चीज होते हैं ना जहां पे नहीं आता तो इसकी स्टाइल वो फॉन्ट चेंज कर लिया जाएगा। कैसे? तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट डायरेक्टली करेंगे क्या, कैलिबरी माइनस करेंगे और फिर कैलिबरी को हटा कर क्या कर लेंगे, कुरुति देव। हो जाएगा ना? अब क्या लिखना है? पिता लिखना है। तो सबसे पहले यफ आई, क्या लिखना है फिर? आ जे लिख, पहले आर प्रेस करेंगे ना, उसके बाद से सी लिखना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है ना, यल और यस। पहले लिखना है ना, तो पहले के लिए क्या करेंगे? हाँ, आई जी वाई एस, आता। क्या करें तुम लोग जी? मानसू क्या करें? आगे क्या लिखना है? आता लिखना है ना। बताइए आप लोग क्या लिखेंगे? वी के आर, कॉमा देना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस। अभी यहां बताया है ना कौन सा बटन, कॉमा करना है ये, तो ब्रैकेट क्लोज से बताए हैं, याद रखिए, भूलिए नहीं। हो जाएगा ना? चलिए अब आगे बताइए, आगे क्या दिया है? जीवन में सदा आदर पात्र। जीवन फिर से लिखना है ना, हम लोग ऊपर जीवन लिखे कैसे करके बताओ, बोल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जीवन लिखना है यहाँ बताए जस्ट ऊपर। हाँ, टी से ज हो गया, आगे यस बटन दबाएं, यस यच। हाँ, बस उसी को बताने, तुम्हें मत बताओ, बताओ। ओ, उसके बाद कौन बताया? बैठो, खड़े हो जाओ, हिमांशु खड़े हो जाओ, बताओ हमको। मैं लिखना है, जीवन में लिखना है। नहीं, अभी हम बता रहे, तुम नीचे फोन देख रहे हो, कॉपी में देख रहे थे। बताओ मैं के लिए क्या होगा? अजस्ट अभी बताए भी हैं, ऊपर देखो मैं लिखे हैं ना, यही में हमको यहाँ लिखना है। अभी मत कहना कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर दें। ई, हाँ, ए, तुम क्यों बोल रहे हो? बताओ, चलो ए दबाए हैं, तो बताओ कि क्या लिखेंगे। बैठो, गधा, यस लिखेंगे तब जाके मैं आएगा, और ये बटन दबाएं तब जाके होगा। बैठो, ध्यान दो इधर, तब समझ में आएगा। हो जाएगा ना? आप बताइए निकेस, नहीं आए थे मुर्गा? नहीं नहीं पनिशमेंट था ना जी, सदा लिखना है ना, तो सदा के लिए क्या प्रेस करेंगे? चलिए, सदा के लिए हमको प्रेस करना पहले यल, यल के बाद से तो देना है ना, तो यन, और उसके बाद से आदर, यानी कि वी से क्या आएगा, और के से आक मात्रा, द किससे आएगा, यन से, और र किससे आएगा, जे से, आर से र नहीं आएगा। पाता लिखना है ना, तो प किससे आएगा, आई के
फिर क्या होगा? आर। लाइनिंग के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ। अब आगे क्या लिखना है? सबको मान प्रतिष्ठा जिससे। चलिए सबको लिखना है। सबको लिखने के लिए क्या करेंगे? यल सी डी के यस हो जाएगा। मान लिखना है। ई से क्या आएगा? म। के से? और यू से? अब लिखना है सबसे पहले प्रतिष्ठा। तो अब यहां समझिए प्रतिष्ठा लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए आई से क्या आएगा और वही जेड बटन दबाएंगे तो प्र। किससे? जेड से हो जाएगा ना। उसके बाद से क्या देना है? मात्रा देना है ना। पहले यफ और उसके बाद से आधा सौ देना है ना। तो उसके लिए कौन सा बटन? शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा। देखो इससे हट जा रहा नहीं, कोड नहीं इस्तेमाल करेंगे फिलहाल। अभी हम डायरेक्टली यहां से आ करके और फंड जो हम ये लिए हैं ना इसको हटा के ले लेते हैं 240 वाला। दो सौ चालीस और शिफ्ट साथ इन्वर्टेड कॉमा यही है ना। हाँ नहीं तो काम करते हैं सबको सेलेक्ट करके 240 वाला एक थोड़ा सा मोटा रहेगा बेहतर हो जाएगा ना। अब क्या लिखना है? ठ लिखना है ना। तो ठ किससे आएगा? यही वाला है ना। तो हम लोग पढ़े थे शिफ्ट के साथ आएगा किससे, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ शिफ्ट के साथ बी से यानी कैपिटल बी से आएगा। तो उसके लिए जब हम यहाँ पे आएंगे तो शिफ्ट के साथ बी, फिर क्या लिखना है? के देना है ना। तो यहाँ पे दबा लेंगे, प्रेस कर देंगे क्या? जिससे लिखना है तो पहले क्या करेंगे? यफ, फिर क्या करेंगे? यल, फिर अच्छा पहले जी है ना, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे क्या? टी, फिर यल और एक बार और यस। यस कॉमा देना है तो फिर सिर्फ के साथ ही कह रहे हो कौन सा बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे हो जाएगा ना। चलिए अगली लाइन में क्या लिखा है? सीख ही लिखना है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? यल यच ये है। अब फ लिखना है ना, तो बड़ा वाला ब्रैकेट ओपन फिर के और इसका कौन सा बटन? कर्तव्य लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? बी। अब देखिए इस वाले तो के लिए कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक बार देखिए इसमें कहीं दिया भी होगा। नहीं नहीं वो बता, चलिए वो ट्राई करते हैं। नहीं तो कोड है देखो, नीचे कोड में दिया भी होगा, यहाँ दिया है ना। तभी हम कोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो अगर जो करना चाहते हैं तो समझ लिए क्या करेंगे। फिर उसके लिए अल्ट साथ कितना दिया? 0270। जब यहाँ पे आएंगे तो फिर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे किसका, यही है ना, यही लिखना है ना। तो पहले लिखेंगे अल्ट के साथ 0270 बताएगा ना। फिर के बटन दबाएंगे और शिफ्ट के साथ जब जेड बटन दबाएंगे तो ऊपर के लिए हो जाएगा। आधा वो देना है ना, तो शिफ्ट के साथ कौन सा बटन? ओ। अब यह देना है ना, तो किससे आएगा? सेमी कॉलन से। अब क्या लिखना है? निष्ठा लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे उसके लिए? यफ, फिर उसके पास क्या देंगे? यू, फिर क्या? शिफ्ट के साथ डबल नोटेड कॉमा, फिर शिफ्ट के साथ बी और उसके बाद से हो जाएगा। जिससे लिखना है, फिर इसके पहले जिससे लिखे है ना, पहले कौन सा बटन? यफ पी डबल एल फिर यस। और अगर जो खड़ी पाई देना है तो शिफ्ट के साथ
कर ले जाएंगे। तो अब कुछ समझ में आ रहा कैसे लिखना होगा ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे जब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो सबसे बेहतर यही है कि आप लोग ब्राउजर पे जाइए, हिंदी पोयम सर्च करिए, बहुत सारा हिंदी पोयम आप लोगों को दिख जाएगा। आ समझे ना? और इसी में उसको एक पोयम सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद वही लिखना स्टार्ट कर हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर जो अभी तक इसमें समझ में नहीं आया जितना बताया उतना फिर और पूछ लीजिए, हो जाएगा ना? हाँ, अब रही बात कि नहीं आपको क्या करना है, जैसे उसमें स्टाइलिंग दिया है वैसे आपको स्टाइल देना है कि यहाँ से इधर और यहाँ से, आप लोग पढ़े होंगे, देखिए कहाँ से दिया है, ये वाला है ना, जीवन में सदा आदर पाता, उसके जस्ट ये नीचे वाला है ना, सेलेक्ट इसका अलाइनमेंट चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। क्या हुआ, कहाँ छूटा? देखो किसमें है बता, यही है ना, इसके नीचे यही है ना। अब आगे लिखना है क्या? यही, कभी रहा ना दूर मैं जिससे, ये लिखना है ना। इसके लिए क्या करेंगे? क्या हुआ? हाँ बता रहे हैं, बस एक जगह भी हम लोग इस्तेमाल किए हैं फिलहाल, अभी हम नॉर्मल वर्ड से सीख रहे हैं। अरे समझे ना, अब अगली क्लास में जैसे पहले कोडिंग बता देंगे, कोड इसका बस वही एक कोड नहीं है और भी सारा कोड, तो तब जाके हम कोड से बताएंगे कैसे लिखें। अरे समझे ना? हाँ एक काम करिएगा, नहीं वो सबसे बेहतर रहेगा, लगभग जो है ना जो इलाज होता है ना दवा के लिए, उसका पर्ची सबके घर होगा कहीं, तो जिसके ऐसा होगा जो हिंदी में होगा ना वो लेकर के हिंदी में फॉर्म या फिर जो भी होगा बना कर बता दे कैसे बनेगा, दिखाओ। हिंदी टाइपिंग ही सीखना है ना? अब ये हिंदी टाइपिंग ऐसा है ना, हम आपको यहाँ बताने के लिए बता दिए लेकिन आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक ये परमानेंट के लिए याद नहीं होगा, आ रहा समझे ना? और यदि आप सोचिए नहीं हम रट लेंगे याद हो जाएगा तो भी नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि कब कहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल करना है ये अनुभव से ही मिलेगा, याद करने से नहीं होगा, आ रहा समझे ना? अब अनुभव जब रहेगा, जब प्रैक्टिस रहेगा कि हाँ अगर जब हमको सीख ही लिखना है तो कैसे लिखना हो, आ रहा समझे ना? तो याद करते रहेंगे, ल किससे, स किससे आएगा तो यल से, मात्रा किससे आएगा तो यत से, याद करते रह जाएंगे ना, लेकिन जब ये प्रैक्टिस रहेगा तो आप आसानी से लिख, क्लियर है ना? तो आज आप लोग जब लैब में जाएंगे तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे बेहतर रहेगा क्या करेंगे आप लोग, एक कोई पोयम सर्च कर लेंगे ऐसे जैसे हमने सर्च किया था, और उसी पोयम को सर्च करके आप वर्ड पे क्या करेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे। हाँ कहानी लिख दे रहा, हो जाएगा ना? तो आज आप लोग ये ट्राई करके आइए लोग।